सुबह सुबह के वक्त के भी चाय की दुकानों पर जिस तरीके से राजनीतिक बहस और चर्चा होती है, कौन आएगा कौन जाएगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन कैसा प्रदेश चलाएगा, कैसा व्यवस्था चलाएगा, उसको लेकर काफ़ी गंभीरता से यहाँ पे मतलब चर्चाएँ होती हैं। ये बालेश्वर मंदिर के पास का ये चाय का दुकान काफ़ी चर्चा में रहता है। कारण यह है कि एक से एक राजनीतिक हस्तियाँ यहाँ आती हैं, बाबा का दर्शन करने के बाद चाय की चुस्कियों में अपना समय बिताती है। समय क्या होता है, किसी न किसी मुद्दे पर बहस हो जाती है। कोई कहता है बाढ़ की समस्या है, कोई कहता है दवा की समस्या है, कोई कहता है सड़क की समस्या है, कोई कहता है बिजली की समस्या है, कोई कहता है रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो तमाम चीज़ों पर जो है ये चर्चाएं होती हैं। ये चाय बना रहे हैं और चाय के चुस्कियों में देखिए राजनीतिक बहस कराएंगे, ये इनका डेली का काम है। चाय में जो है ये दूध मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, कभी कभी इलायची लौंग सब मिला के देते हैं। ये इनका नाम बड़ा चर्चा में रहता है। ये देखिए पगड़ी जो बांधे भगवा, ये शुद्ध भाजपाई हैं ये। लेकिन यहाँ दुकान तो भाजपा की है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी, तमाम छोटे छोटे दलों के लोग यहाँ जुड़ते हैं। लेकिन पगड़ी ये बोलती है कि शुद्ध भाजपाई हैं, लेकिन सबको लेके चलते हैं, क्योंकि इनको दुकान चलाना है, दो पैसा कमाना है, चाहे किसी दल का हो, परता पार्टी होनी चाहिए बस। तो आइए, चाय की दुकानों पर आप देख रहे हैं नज़ारा, आने वाला विधानसभा चुनाव कैसा होगा, आइए चर्चा करते हैं। एक मिनट, विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। योगी सरकार ने क्या किया है, खास तौर पे बलिया में? बलिया, हम तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, बलिया में दिख रहा है विकास? हाँ, दिख रहा है विकास, क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, क्या क्या, जैसे एक आध दो चीज़ें बताइए बस। हर क्षेत्र में विकास दिख रहा है, मतलब योगी सरकार ने विकास कराया जी। आपका राय क्या है? बीजेपी सरकार ने विकास कराया है, 295 सीट आने का। अच्छा, फिर बीजेपी सरकार चाहते हैं जी? आप चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए? बीजेपी सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि हर सुविधा मिल रही है आपको। ठीक है, आपको योगी जैसे कर्मठ मुख्यमंत्री मिलना इस देश को असंभव है। असंभव है, तो क्या आप किस मुद्दे पर जा रहे हैं, विकास के मुद्दे पर? सबसे विकास नहीं, सबसे बड़ा जो जड़ है मेन करप्शन, वो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। लोग कह रहे हैं सड़क की हालत खराब है, हॉस्पिटल की हालत खराब है। मान लिया सड़क की हालत खराब है, हॉस्पिटल की हालत खराब है, हॉस्पिटल की हालत खराब है। हॉस्पिटल तो मैंने, तो क्षेत्रीय विधायक मंत्रियों ने कुछ किया है यहाँ पे, विधायक सांसद वगैरह सब? अभी तक तो रोड पे क्षेत्र में नहीं, चेयरमैन वगैरह के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हुआ है। मतलब जो विकास चाहिए दिख नहीं रहा है, फिर भी आप योगी सरकार को चाहते हैं? चाहते हैं। क्या आपका नाम? नवीन कुमार मिश्रा जी। आप जैसे देखें कि यहाँ पे किसकी सरकार चाहते हैं, ये बहुत तमाम गंभीर विषय। आएगी तो बीजेपी ही, बीजेपी आएगी, वजह कोई रोकने वाला नहीं है। क्या बीजेपी सरकार क्यों चाहते हैं? सर, विकास के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए। जी जी, मैं तो बीजेपीएन हूँ और बीजेपीएन रहूँगा जी। धन्यवाद। सपा केवल नाली और शौचालय के लिए लड़ रही है, बीजेपी जो कानून के लिए लड़ रही है, कानून के लिए। कांग्रेस जो पाँ का बूनी खतिए थी वाला, जो बीजेपी और कानून बना रही है, मैंने मुद्दा उसका बड़ा बड़ा रह रहा है जी। उस मुद्दे पे आप हैं, विकास के मुद्दे पर, देश के सम्मान के मुद्दे पर। सड़क और नाली किस गली का है, राइट? ये तो कभी बनेगा, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। ओ पिंटू जी, किसकी सरकार चाहते हैं? अच्छा, आदमी रहो वही का आदमी चाहता है। अच्छा, मतलब पुलिस मार के घर में ढुकवले रहो, पुलिस सरकार ना चाहिए। ऐसे में जो दल हैं वर्तमान में, कौन बेहतर है? वर्तमान में बहुत दिक्कत भी है। नहीं नहीं, जो दल है सामने उसमें बेहतर कौन है वो बताइए, किसी एक दल का बताइए। तमाम दल हैं, उस दलों में सबसे अच्छा दल कौन है? वर्तमान वाला ठीक नहीं है भाई, बस सरकार बदलनी है आपको? सरकार बदलना चाहते हैं? ठीक।